2013 में एक रिपोर्ट आया था जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि द वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ वर्ल्ड इज रूपी, भारत का रुपया ये वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और अभी जब रिपोर्ट आया तो 2023 के रिपोर्ट में कहा गया है कि द करेंसी विच हैज फेयर्ड द बेस्ट इन द टर्बुलेंट टाइम इज इंडियन रूपी, यानी भारत के रुपए का जो जी ताकत थी उस ताकत को 10 साल में मोदी जी कहां से कहां तक ले गए, ये हम लोग इस मारे से देख सकते हैं। तो जहां एक और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, वही हमने देखा देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने मुद्रा का लोन दिया, क्योंकि नारा क्या था, फंडिंग द अनफंडेड, देश में जो युवा है जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोग, इनको बैंकें कर्जा नहीं देती थी। हमारे यहां टेलीफोन बैंकिंग चलता था, टेलीफोन बैंकिंग का अर्थ क्या है, कोई मंत्री फोन कर दे तो बैंक कर्जा देती थी, अदरवाइज बैंक कर्जा नहीं देती थी। और ये टेलीफोन बैंकिंग का कर्जा कभी वापस नहीं आता था, द लोन वॉज गिवन नेवर रिटर्न, ऐसी प्रकार की स्थिति थी। मोदी जी ने कहा जो काम करना चाहते हैं उसको लोन मिलना चाहिए, विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी कोलैटरल उसको लोन मिलना चाहिए। और मुद्रा के तहत 50 करोड़ लोगों को लोन मोदी जी ने दिया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, अमंग्स दिस 50 करोड़, 30 करोड़ आर विमेन, महिलाओं को, 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा का लोन मिला, जो आज अपने पैरों पर खड़ी है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। ये परिवर्तन मोदी जी ने करके दिखाया। इस देश में मात्र 1000 स्टार्टअप्स थे, आज देश के अंदर 1,25,000 स्टार्टअप्स है, देश में 25 आज यूनिकॉर्न्स हमको दिखाई देते हैं। और एक ऐसी इकोसिस्टम देश के अंदर तैयार हुई कि आज कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है।